मुझे किसी बात का कोई रिग्रेट नहीं है, मैं नहीं बन के रहना चाहती हूँ कंगना की चमची। इस तरीके से एक बहुत बड़ा बयान जो है दे दिया है साइशा शिंदे ने पोस्ट हर एविक्शन। आखिर क्या कहती है साइशा शिंदे, चलिए बता दें आपको इस वीडियो में। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट लोस वेदांगी कर्णिक। वेल, जिस तरीके से साइशा का पिछले वीकेंड पर यानी जजमेंट डे पर एविक्शन हुआ था, डिसरिस्पेक्टफुल बातें कर रही थी वो कंगना के साथ और ऐसी चीज़ें कर रही थी जिसके बाद उसने खुद ने कहा था कि मैं लॉकअप में नहीं रहना चाहती, ऐसा है तो मैं चली जाऊंगी, तो कंगना ने कहा ठीक है जाओ, रोक कौन रहा है। तो इस तरीके से उनका जो है एविक्शन हो जाता है और अब एविक्शन के बाद अपना एक इंटरव्यू एक OTT बेस पोर्टल को देने के बाद वो कहती है कि मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है कि मेरा एलिमिनेशन हुआ है, मुझे पता है मैं मेरे गेम के साथ काफ़ी रियल थी, काफ़ी ट्रू थी, मेरे जोक्स रियल थे, मेरा प्यार सच्चा था, मेरा एंटरटेनमेंट सच्चा था, तो मेरा गुस्सा कैसे फेक हो सकता है, वो भी नेचुरल था। द मोमेंट जो मेरा आउटबर्स्ट हुआ था वो भी नेचुरली आया और मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती कंगना मैम के साथ अच्छे तरीके से बात करने के लिए कि मैं कोई कंगना की चमची नहीं बनना चाहती, मैं उनकी एक एम्प्लॉय हूँ, यहाँ पे मैं लोगों को एंटरटेन करने आई हूँ और मैं उनकी चमची बनने तो कदाई पे नहीं बनने आई हूँ। हैविंग सेड दैट, मैंने देखा है कि किस तरीके से बाकी लोग जो है अदरवाइज चाचा चाचा पापा का पापा करते रहते हैं, लेकिन कंगना के सामने वो चुप थे और उन्होंने किसी भी वे में रिएक्शन जो है अपना नहीं दिया था, चुपचाप बैठे थे। हाँ मैं एडमिट करती हूँ मैं गलत थी, मैं डिसरिस्पेक्टफुल थी, एंड जब तुम गलती करते हो तुम्हें पता है तुम्हारी गलती होती है तो तुम अगर माफ़ी मांगते हो तो माफ़ी भी मिल जानी चाहिए। कंगना ने मुझे हायर किया था एंड उनका जेल है, तो बाय दैट लॉजिक मैं और कोई सवाल उनसे नहीं पूछ सकती, बस यही होप कर सकती हूँ कि कंगना जो है मुझे माफ़ कर दे। और उसी के साथ साथ साइशा ये भी कहते हुए नजर आई कि वो फिर एक बार लॉकअप में ज़रूर जाना चाहती है। लॉकअप इज़ अ शो जहाँ पे उन्हें वो शो जीतना है, LGBTQ कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट करने गई है, तो कहीं ना कहीं कई सारे ट्रांस वुमेन के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है वो और कहीं ना कहीं उन्हें मोटिवेट करना चाहती है और इसीलिए वो चाहती है कि अगर उसे मौका मिले तो ब्रिंग बैक साइशा, जिस तरीके से लोग वायरल कर रहे हैं फिर एक बार साइशा को लॉकअप में लाने के लिए, तो वो चाहती है कि आई होप मेकर्स और कंगना ये बात को देखे, एक्नॉलेज करे और हो सके तो मुझे शो में वापस ले, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग फैक्टर हूँ। कई लोग सिर्फ लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन मैं सबसे प्यार करती हूँ, सबके बैलेंस बना के मैंने रखा है। सो अगर हो सके, अगर मुझे मौका मिले तो मैं फिर एक बार लॉकअप में ज़रूर आना चाहूँगी, इस तरीके से साइशा कहते हुए भी नजर आई। इसके ऊपर आपको क्या है कहना, आपकी क्या है रिएक्शन, कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। आई विल सी यू गाइस सून, तब तक के लिए टेक केयर।